श्रीकांत के बारे में बताइए। कौन श्रीकांत? आपके गुड फ्रेंड, आपकी शादी होने वाली है ना? हेलो गाइस, तो गाइस बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के बाद सना मकबूल ने कहा था कि जल्द उनकी शादी होने वाली है और सोशल मीडिया पर ऐसी खबर चल रही थी कि उनके एक बॉयफ्रेंड भी है जिनका नाम श्रीकांत रेड्डी है जो उनके साथ ही में थे जब वो ट्रॉफी जीती थी और उस समय उन्होंने कहा था कि जल्दी उन दोनों की शादी भी होने वाली है। तो शादी कब है? शादी कब है? अभी जल्द सब इनवाइटेड रहेंगे, पता चलेगा। 2 महीने बाद शादी है आप? 2 महीने में कुछ नहीं होने वाला है, टाइम लगेगा बट होगा, पक्का हो जाएगा शादी। लेकिन दोस्तों अभी सना मकबूल का एक इंटरव्यू निकल के आया है जहाँ पर सना मकबूल से श्रीकांत के बारे में पूछा गया, उनकी शादी के बारे में पूछा गया, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि कौन श्रीकांत। चलिए मैं आप लोगों को सना मकबूल का वो इंटरव्यू वीडियो भी दिखाता हूँ। श्रीकांत के बारे में बताइए। कौन श्रीकांत? आपके गुड फ्रेंड, आपकी शादी होने वाली है ना? किनके? उनके साथ? हाँ, श्रीकांत इज माय बेस्ट बडी, ही विल ऑलवेज बी माय बेस्ट बडी। आई थिंक ही इज दैट सपोर्ट फॉर मी थ्रू आउट, ही इज बीन इन माय लाइफ फॉर लाइक इट्स बीन अ व्हाइल, बट ही इज, या शादी तो ऑफ कोर्स अभी उम्र हो गई है तो एक मुझे ऐसा लगता है टाइम पे शादी कर लेनी चाहिए, तो बस जल्द हो जाएगी, जब होगी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर पहले तो सना मकबूल ने श्रीकांत को पहचानने से इनकार कर दिया, फिर बाद में पता चला कि उनके दोस्त हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने शादी को लेकर कोई क्लियर नहीं किया कि उनकी शादी उनसे होने वाली है। अब यहाँ पर सना मकबूल ने कहा कि हाँ उनकी उम्र तो हो चुकी तो शादी तो वो करेंगी, लेकिन किसके साथ में करेंगी वो उन्होंने ये बताया नहीं है। बाकी इस इंटरव्यू के इस क्लिप को देखने के बाद काफी लोगों का ऐसा कहना है कि सना मकबूल अपने बॉयफ्रेंड श्रीकांत रेड्डी के साथ शादी नहीं करने वाली है। बाकी इस पर आपका क्या रिएक्शन है, इस पर आपका क्या ओपिनियन है, इस बारे में आप लोग आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।